नमस्कार, राजेश हूं। रेडियो गूंज पर आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो से और रेडियो गूंज से लोगों के बीच जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है ममता का आंचल। हमारे साथ बैठी हैं श्रद्धा चकहियार, डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। इनसे दो चार बातें जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। बांझपन, जी हाँ, इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं होना, इस विषय पर बातचीत करेंगे। छोटी सी बातचीत है, आपके लिए लाभदायक होगी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। बांझपन क्या है, पहले ये हमारे लोगों को बताएं। बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, ये वो बीमारी है जिसमें एक कपल या दंपति को बच्चा नहीं ठहरता है या ठहरने में दिक्कत होता है। जी, मैं बता दूं कि विश्व में हर 7 में से एक कपल वैसे होते हैं जिनको जिनके घर में किलकारी नहीं पूछती। जी जी जी, यानी कि उन्हें समाज बाज कहता है। जी, तो बांझपन उसे कहते हैं, यानी कि बच्चा ठहरने में दिक्कत होना या बच्चा नहीं होना। बच्चा नहीं होना या बच्चा ठहरने में दिक्कत होना, लेकिन हर माँ का सपना होता है कि उसके गोद में एक बच्चा हो। बिल्कुल, है ना, हर घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। बिल्कुल। तो एक बात हम यहाँ जानना चाहते हैं कि क्या हर औरत जिसको बच्चा नहीं होता है वो बांझ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू राजेश जी। ऐसा कुछ नहीं है। हर वो कपल जिनको बच्चा नहीं ठहरता है, उनके लिए उन्हें कम से कम इलाज तो कराना चाहिए, और इलाज सही जगह कराना चाहिए। इलाज एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी क्वैक या किसी और से कराते हैं तो वो जिंदगी भर आपको घुमा देंगे। जी जी, लेकिन कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप जहाँ थे आप वही रह जाएंगे। जी, जी, जी। आपका दुख वही का वही रह जाएगा। तो आप सही जगह आप समझिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या इलाज कराना चाहिए। इलाज से पहले जांच है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा बीमारी क्या, हाँ, क्या सही है, कैसे पता चलेगा। सही बात। और जब जांच के बाद बीमारी पता चलेगा तो आपके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर वो बीमारी ठीक होने लायक हो तो उसको ठीक किया जाएगा, तो फिर आपको अपने से भी बच्चे ठहर सकते हैं कुछ दवाई की मदद से, नहीं तो फिर IUI हो सकता है, नहीं तो फिर IVF हो सकता है। आज की तारीख में IVF के बोर्ड बहुत दिखाई देते हैं, तो कहाँ जाना चाहिए ऐसे दंपति को, ये बहुत बड़ा सवाल है, है ना। कैसे पहचाने कि हाँ, यहाँ जाऊँगा तो मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा, एक डॉक्टर होने के नाते, और श्रद्धा IVF के साथ आप जुड़ी हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहिएगा, क्या बेसिक IVF, क्या चीजें हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स, पहले तो IVF बहुत लोग खोलते थे जो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते। जी जी जी। तो IVF और गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स है बहुत सही है, क्योंकि IVF में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एम्ब्रियोलॉजी लैब होता है। जी जी जी। और वो लैब एक मंदिर की तरह होता है, क्योंकि वहां बच्चे का क्रिएशन होता है। जो पूरा प्रक्रिया होता है IVF में, उसमें हम लोग माता के, एक औरत के शरीर से अंडे निकालते हैं जी, और हस्बैंड के शरीर से हीरा निकाल के दोनों को मिला के एक छोटा छोटा एम्ब्रियो यानी कि बच्चा बनाते हैं। तो वो जो बनाते हैं हम लोग IVF लैब में बनाते हैं, और उसमें ना गंदगी होनी चाहिए, उसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, ना ऑक्सीजन कम होना चाहिए, ना टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ना ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आपको वैसे जगह जाना है जो लैब उस चीज को मेंटेन कर रहा है। जी जी जी। आप चाहें तो उस लैब का जो फाइल से आप चेक कर सकते हैं, एक बार आप सेटिस्फाई हो लें कि हाँ ये एक्रेडिटेड लैब है, यहाँ पे सही काम होता है, तो फिर आप करा सकते हैं, क्योंकि सही जगह अगर आप कराएंगे तो इलाज बिल्कुल संभव है। डॉक्टर श्रद्धा, आपने ये सारी चीजें बताई, क्या आपका श्रद्धा IVF ये स्टैंडर्ड पर खड़ा उतरता है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है कि लैब में HVAC होना चाहिए, ये जो गैस चेंजेस परार है, जो ह्यूमिडिटी जो मेंटेन करना है, जितना CO2 लेवल मेंटेन करना है, VOC पार्टिकल काउंट वो हम हर दिन मेंटेन करते हैं, हर दिन लैब क्लीन होता है उस डिटर्जेंट से, उस सॉल्यूशन से जिससे धोना, जिससे साफ करना, साफ ये नहीं कि किसी भी चीज से। जी जी। और जिस चीज से साफ होता है वो भी चीज स्टरलाइज होता है। जो भी, एक तो उस लैब में लोगों का घुसना रिस्ट्रिक्टेड है, जो भी घुसते हैं प्रॉपरली स्टरलाइज होते हैं, अपना ड्रेस चेंज करते हैं, जो लैब का जो कपड़ा है वो पहनते हैं, तब फिर जाते हैं, ताकि लैब में कोई भी
बाहर का कीटाणु अंदर ना आए और उस लैब का बेस्ट रिजल्ट। एक बात बताइए, लंबे समय से आप जुड़ी हुई हैं, कितना चेंजेज आया है, लोग कितना भरोसा करने लगे हैं इस टेक्नोलॉजी पर? देखिए, IVF तो शुरू हुआ था आज से करीब 35 साल पहले। हाँ। जिन महिला का IVF हुआ था, अच्छी बात है कि उनको भी एक बेटी हो गई और अच्छा। वो नॉर्मल तरीके से हुई है, उसको IVF का जरूरत नहीं पड़ा। तो लेकिन उस समय रिजल्ट बहुत पुअर था। रिजल्ट इम्प्रूव कर रहा है, रिसर्च चल रहा है कि और बेटर रिजल्ट कैसे हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट तो इम्प्रूव हो रहा है। हर 100 में अगर 100% में 40-70% रिजल्ट हो रहा है। चलते चलते एक सवाल, छोटे में आंसर चाहेंगे कि क्या कारण देखती हैं आप? पहले के जमाने में उतना नहीं सुना जाता था, लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समस्याएं भी बढ़ रही हैं, क्या कारण है? इनफर्टिलिटी। हाँ जी जी। एक सबसे पहले तो लाइफस्टाइल हमारा। अच्छा। हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। लोगों को काम करने की आदत कम हो गई है, वो एक्सरसाइज कम करते हैं, ज्यादा मशीन में काम करते हैं। पहले लोग सिलौट पे मसाला पीसते थे। जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो लोग मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये वो यूज जी जी जी, जिसके कारण जो शरीर का एक्टिविटी कम हो गया है, फास्ट फूड खाने का कल्चर हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है। आजकल के यंगस्टर्स में सिगरेट स्मोकिंग, फिर शराब वाइन, ये सब काफी कॉमन हो गया है। फिर जो दूसरा है कि शादी तो हो, एक तो शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो बच्चे लेट से प्लान करेंगे। सही सही सही, ये सब कॉमन कारण है। लेकिन कुछ कारण जो इन्फेक्शन, जो कि ये सब बड़े कारण है, जो पहले से भी था, वो सब भी कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये कॉमन। हमें तो ऐसा लगता है डॉक्टर साहिबा कि अगर कोई समस्या हमारे अंदर आती है ना, तो 90% टाइम हम ही जिम्मेदार होते हैं उसके लिए, है ना। बहरहाल, इनफर्टिलिटी कोई समस्या नहीं है, इलाज से संभव है, आपके घर किलकारियां गूंजेंगी। अगर डॉक्टर श्रद्धा से आप बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर ले, 9162562266, ये नंबर है। और देखते रहें और सुनते रहें रेडियो गूंज। थैंक यू सो मच।